तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं अब हम लोग देखेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स और मेजरमेंट में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को, ठीक है ना, जो कि आपके यूनिट्स और मेजरमेंट में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है उसको आपको पढ़ना है इस टॉपिक को, ठीक है। तो ये तो वैसे तो पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है, ठीक है ना, केवल एक स्पेशली चैप्टर के लिए तो नहीं है, लेकिन हम लोग किस में पढ़ेंगे इसको, यूनिट्स और मेजरमेंट चैप्टर नंबर 2, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात क्या है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का यूज क्यों होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का यूज हम लोग जैसे दो डिस्टेंस है उनको कंपेयर करने के लिए करते हैं, ठीक है ना, और वेट है उनको कंपेयर करने के लिए करेंगे, ठीक है ना, यानी किसी दो क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का यूज करते हैं। जैसे जैसे समझिए, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपसे ये पूछता हूँ कि आपकी स्कूल कितने डिस्टेंस पे, आप कहोगे 5 किलोमीटर, ठीक है ना। फिर मैं कहूँगा कि आप ये जो स्टेट है, जैसे मान लीजिए इस समय यूपी, तो यूपी से दिल्ली की डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहोगे जो भी आप दोगे, ठीक है ना, 500 किलोमीटर। फिर आप क्या कहोगे, जैसे मैं फिर आपसे पूछूं कि ये बताइए यहाँ से यूपी से महाराष्ट्र की, जो महाराष्ट्र है उसकी डिस्टेंस कितनी है, फिर आप क्या उसके लिए क्या कहोगे, लगभग 700, ठीक है ना। फिर आप क्या कहोगे, फिर और आगे जाओगे किसी अदर स्टेट जो दूर होगा तो उसके लिए बात करोगे तो आप कहोगे 1000 है, यानी कि आप क्या कहते हो, 1135 किलोमीटर नहीं है, आप तो ये नहीं बोलते ना कि 1135 है, या फिर आप दिल्ली की डिस्टेंस ये नहीं बताते ना कि 525 किलोमीटर है, क्या बोलते हैं, 500 किलोमीटर है, ठीक है ना। आप अपने स्कूल की डिस्टेंस को तो ये नहीं बताते ना 5.3 किलोमीटर है या 5.5 किलोमीटर है, क्या कहते हो आप, 5 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आप कहते हो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताते हो, ठीक है ना। जब हम लोग कंपेयर करेंगे यहाँ से दिल्ली की डिस्टेंस और यहाँ से महाराष्ट्र की डिस्टेंस, तो आप क्या कहोगे, 500 बताओगे, वहाँ पे 700-800 बताओगे, तो ये आप क्या कर रहे हो, डिस्टेंस को बता रहे हो। तो डिस्टेंस को कैसे बता रहे हो आप, अप्रोक्सीमेट बता रहे हो, ठीक है ना। या फिर मैं ऐसे पूछूंगा कि मान लीजिए आपने क्या किया, साइकिल खरीदी, ठीक है ना, साइकिल खरीदी तो वो कितने की है, 1000 की, अरे सॉरी 1000 नहीं, 1000 में, यानी कितने में आई, तो आप बताओगे 1000 में आई है, 3000-4000 जो भी हो 1000 में आई है। फिर मैं आपसे पूछूं ये बाइक है, बाइक कितने में आई है, तो आप कहोगे 60000 में, ठीक है ना। फिर मैं आपसे पूछूं कार है, कार कितने में आई है, तो आप कहोगे लाख में आता है, ठीक है, ठीक है। तो यानी क्या बता रहे हो आप, 1000 में, फिर आप क्या कह रहे हो, 50000 से अबव, ठीक है ना, यानी 60000-70000, फिर आप क्या बता रहे हो, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, ठीक है ना। तो आप तो एकदम अप्रोक्सीमेट बता रहे हो ना, कि हम लोग को ये मालूम है जो साइकिल आती है वो 1000 में आ जाती है लगभग, और अगर हम लोग अच्छे बाइक की बात करें तो वो लगभग क्या होगा, लाख में आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम लोग अच्छे फोर व्हीलर्स की बात करें, ठीक है ना, अच्छे फोर व्हीलर्स की बात करें तो लगभग करोड़ों में आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो और पैसे होंगे, ठीक है ना, यानी कि ऐसे ऐसे कॉस्ट क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो आपने क्या कहा, 1000 बोला, फिर क्या किया, फिर लाख, 1 लाख बोला, लाख में बोला, यानी कि जो अच्छी बाइक आएगी, या फिर बुलेट ही ले लीजिए, जो बुलेट होता है, बुलेट किस में, कितने में आएगा, लाख में आएगा, तो आपने लाख बोला, यहाँ 1000 बोला, लाख बोला। फिर मैं बोला कोई अच्छी गाड़ी कितने में आएगी, बहुत अच्छी गाड़ी, तो आप कहोगे करोड़ में आएगी, ठीक है ना। तो 1000 लाख करोड़, यानी आप क्या कर रहे हो, केवल आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, अप्रोक्सीमेट बता रहे हो, अप्रोक्सीमेट बता रहे हो कि इतने इतने में आ जाएगी जो भी चीजें लेंगे, ठीक है ना। तो वही क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है, बस इसी तरीके से कंपेयर करने के लिए। यानी साइकिल और बुलेट की जब कॉस्ट को हम लोग कंपेयर करेंगे, क्या बताएंगे, 1000 और लाख का बताएंगे ना, डिफरेंट, यानी क्या कंपेयर करेंगे कि साइकिल तो 1000 में आ जाएगी, लेकिन जो बुलेट होगा वो लाख में आएगी, वो लाख में आएगी, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, एक बस ऐसे ही आप अप्रोक्सीमेट कंपेयर कर दिए हैं, ठीक है ना, कोई उसकी प्राइस तो नहीं बताया ना। तो वही उसके लिए क्या होता है,
वही इसी तरीके से हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि यहाँ पे जो हमने बोला 1000 में साइकिल आएगी और लाख में कोई अच्छी बुलेट आ जाएगी, तो ये क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में हम लोग यही चीज देखते हैं। वैसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का जो फॉर्म होता है वो ये फॉर्म होता है, ए इंटू 10^10 और ए क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, और जो ए की वैल्यू होगी वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगी, ठीक है ना। ए की वैल्यू 1 के इक्वल और 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, बट लेस देन 10, 10 से लेस होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि आप एकदम क्लियरली समझिए, जो ए की वैल्यू होगी 1 to 9 तक के नंबर होगी, राइट, ठीक है। अब भी क्या होगा, इंटीजर्स होगा, यानी -1, -2, -3, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे a हो गया, देखिए a इंटू इंटू 10^10 b, उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप बताओगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बताओगे, 3 है ना, जो पावर होता है यानी जो b होता है ना, वही क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ, ठीक है ना। तो ये क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 तो है, लेकिन हम लोग देखेंगे जो यहाँ पे जो a है, जो a है, अगर a की वैल्यू, अगर a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू ग्रेटर टू 5 होगी, 5 से ग्रेटर होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, b में 1 ऐड कर देंगे, b में क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, b में मतलब एक्सपोनेंट में, पावर में 1 ऐड कर देंगे। अगर a की वैल्यू 5 से ग्रेटर होगी तो हम लोग क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे, बात क्लियर है, ठीक है ना, पावर में क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं जो b की वैल्यू है, सॉरी a की जो वैल्यू है 5 से ग्रेटर है, देखिए ना 5.324 5 से ग्रेटर है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पावर में 1 ऐड कर देंगे, तो 1 ऐड कर दिया, यानी जो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा, क्लियर है, ठीक है ना। चलिए इसमें देखते हैं क्या a की वैल्यू 5 से ग्रेटर है, नहीं, क्योंकि 2.24 है, तो a की वैल्यू 5 से ग्रेटर नहीं है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो पावर है वही लिखेंगे, यानी कि जब वैल्यू a की वैल्यू 5 से ग्रेटर होगी तो हम लोग पावर में 1 ऐड करेंगे, अगर 5 से लेस होगी तो हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे भी क्या है, 5 से ग्रेटर है a की वैल्यू, तो इसमें पावर में क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है ना। इसको चेक करते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 5 से लेस है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -2 है, जब लेस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एज इट इज लिख देते हैं, तो एज इट इज हम लोग इसको -2 लिख देंगे, -2, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि a की वैल्यू क्या है, 5 से ग्रेटर है, तो 5 से ग्रेटर है तो पावर में 1 ऐड कर देते हैं, तो पावर है क्या, अभी तक 2 है, इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1, यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, इसके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होंगे, तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 × 10^0, तो इसके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगी, 0 होगी, जो पावर है वही होगा, 10^0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 × 1 हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये तो 1 to 10 के, a की वैल्यू किसमें लिखी होनी चाहिए, a की वैल्यू 1 से 9 तक लिखी होनी चाहिए, तो क्या ये 1 से 9 तक के नंबर में लिखी हुई है, a की वैल्यू नहीं लिखी हुई है, क्या हो गई, 123, तो क्या हम इसको 1 से 9 तक के बीच के नंबर में लिख सकते हैं, यानी कि a की वैल्यू जो होगी ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस इसी नंबर में लिखी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो उस नंबर में नहीं लिखी है, 1 से 9 तक के बीच के नंबर में नहीं लिखी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले 1 से 10 के बीच के नंबर में हम लोग इसको लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें 1.23 × 10^2, तो ये देखिए 1.23, अब ये तो आ गया ना 1 से 10 के बीच के नंबर में आ गया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को अब हम लोग चेक कर लेंगे। तो देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, तो पहले हम लोग देखेंगे a की वैल्यू क्या है, 1 से क्या है, लेस है, तो जब 1 से लेस होता है तो जो पावर होती है उसको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए आगे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये भी क्या है, 1 से 10 तक के बीच में, 1 से 10 तक के नंबर में तो नहीं लिखा गया है,
1 से 10 तक के बीच के नंबर में तो नहीं लिखा गया है, तो हम लोग इसको भी चेंज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 1.2345 6। तो 1 से 10 के बीच के नंबर में लिख दिया कि नहीं, तो कितना पावर लगेगा, 1 2 3 4 5, 10 to the power 5 लगेगा। अब हम लोग चेक करेंगे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 5 से ग्रेटर है या लेस है। तो देख रहे हैं ए की वैल्यू 5 से लेस है, तो हम लोग इसके पावर में कुछ भी चेंजिंग नहीं करेंगे, एज इट इज लिख देंगे, यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5 होगा। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.0 × 10 to the power 3। तो यहाँ पे भी हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो 1 है वो 5 से लेस है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो पावर है वही हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। हम लोग इसको देखते हैं, इसको भी पहले हम लोग 1 से 10 के बीच के नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, तो 6.21896 × 10 to the power 5 हो जाएगा, लिख सकते हैं ऐसे। अब तो ये आ गया ना 1 से 10 के बीच तक के नंबर में, ये आ गया ना ए की वैल्यू। तो हम लोग क्या देखेंगे, ए की वैल्यू 5 से ग्रेटर है या लेस है, देख रहे हैं कि ए की वैल्यू 5 से क्या है, ग्रेटर है। तो इसके पावर में हम लोग क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो आंसर यानी कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। अब देखिए ये भी क्या 1 से 9 के बीच में लिखा है, 1 से 10 के बीच में लिखा है, ये नंबर नहीं लिखा है, क्योंकि 0.008 1 से छोटे नंबर में लिखा है, तो हमको किस में लिखना है, 1 से 10 के बीच में लिखना है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 8.0 × 10 to the power -3 लिख सकते हैं कि नहीं, ये डिजिट को इधर क्रॉस कर देंगे ना, 1 2 3 डिजिट को क्रॉस कर दिया, जो डेसिमल है इसको इधर क्रॉस हो जाएगी, ठीक है ना। तो 1 2 3 डिजिट क्रॉस हो जाएगा डेसिमल, तो 10 to the power क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब हम लोग चेक करेंगे कि ए क्या 1 से 10 के बीच में आया, यस ए 1 से 10 के बीच में आ गया। तो अब देखेंगे कि ये जो ए की वैल्यू है वो 5 से ग्रेटर है, यस ए की वैल्यू 5 से ग्रेटर है, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर में 1 ऐड कर देते हैं। तो पावर क्या है, -3 है, इसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आंसर, -2 आ जाएगा, यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, -2 होगा। क्लियर है, चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। तो ये भी 1 से 10 के बीच में नहीं लिखा है, तो 1 से 10 के बीच में हम लोग इसको लिखेंगे, तो 3.0 × 10 to the power क्या हो जाएगा, -1 2 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो आप देखेंगे ए की वैल्यू 5 से लेस है कि ग्रेटर है, तो ए की वैल्यू क्या है, 5 से लेस है, तो ये जैसी पावर है तो वो पावर क्या है, -3 है, तो एज इट इज हम लोग लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -3, यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये था आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, आई होप आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।